मीन्स अर्चना ग्लोबल किचन की ओर से आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोगों के लिए हलवाई जैसे बनने वाली काजू की कतली की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ अर्चना, अर्चना ग्लोबल किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ग्राइंडर जार में 2 कप काजू लेंगे। मैंने यहाँ पर साबुत काजू लिया है, आप टूटा हुआ काजू भी ले सकते हैं। ग्राम में यहाँ 250 ग्राम है। अच्छी काजू की कतली बनने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक और टिप्स बताए हैं, जिसे आप भी फॉलो करें ताकि आपकी भी काजू की कतली अच्छी बने। ताकि काजू को ग्राइंड करते समय काजू ठंडा रहे, गर्म ना हो और ना ही वह तेल छोड़े। काजू को हम एक साथ ग्राइंड नहीं करेंगे, यानी कि एक बार चलाए फिर रुके फिर चलाए, इस तरह से हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे हम छान लेंगे। ध्यान रहे, काजू को हम साफ करके ही लेंगे। कई बार काजू में कुछ काला काला सा रहता है, खराब पीस निकाल देंगे, नहीं तो काजू की कतली कड़वी हो जाएगी। हम चाशनी के लिए हम पैन को लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है, 1/2 कप पानी, 2 कप काजू लिए थे तो 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी, यानी कि चीनी ढक जाए पानी बस उतना ही लेंगे हम। वैसे तो एक तरह की चाशनी बनाने के लिए 5 मिनट लगता है। हम स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि चीनी तली में न चिपके पाए। इसे हम एक तरह की चाशनी तक ही पकाएंगे। इसे हम चेक कर लेते हैं, पानी कम हो गई है, देखिए साइड से चीनी जमने लगी है। इसे हम इस स्पैचुला में थोड़ी सी चाशनी लेंगे और थोड़ी ठंडा होने के बाद इसे इस तरह उंगली में छू के देखेंगे। इस तरह एक तार की चाशनी होनी चाहिए। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसमें ग्राइंड किए हुए काजू डालेंगे और इसे स्मूथ बनाने के लिए 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें साइन देने के लिए हम 1 चम्मच घी डालेंगे। मार्केट में भी इसे डालते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि चाशनी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे हम पैन में 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। हल्के कुनकुने में ही इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और इसे स्पैचुला से हम सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए स्पैचुला चलाते ही रहेंगे इस तरह से। अब हम एक पॉलीथीन लेंगे और काजू के डो को इसमें हम डालेंगे और उसे इस तरह से मस लेंगे ताकि काजू की कतली को बनाते समय इसमें क्रैक ना आ पाए, यानी कि इसकी हम अच्छे से कुटाई करेंगे इस तरह से। पूरी मेहनत इस पे हम लगा देंगे ताकि हमारा इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए और एक सॉफ्ट स्मूथ सा डो बनके तैयार होए। देखिए काजू का डो आयल छोड़ने लगा है, मेरे हाथों पूरा आयल हो चुका है। देखिए एकदम सॉफ्ट और मुलायम डो तैयार हो चुका है। पॉलीथीन को इसके ऊपर लगाएंगे और उसे इस तरह से हाथों से बेलेंगे। अगर आपको पतली काजू की कतली चाहिए तो पतला रोल करें और अगर मोटी काजू की कतली चाहिए तो आप मोटा रोल करें। और देखिए इस तरह से हाथों से हमें अच्छे से रोल को बेलते जाना है। जहाँ पे हमें मोटा लगे वहाँ पे अच्छे से हम और बेल लेंगे। देखिए इसे हम अच्छी इस तरह से बेल चुके हैं और इसके ऊपर की पॉलीथीन हम हटा लेते हैं। अब इसमें हम चांदी का वर्क लगा लेते हैं, तभी तो ये मार्केट स्टाइल दिखेगा। चांदी का वर्क मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है और ऑनलाइन भी इसे हम मंगा सकते हैं। काजू की कतली में हम रोज एसेंस भी डाल सकते हैं। इसे काजू की कतली मार्केट स्टाइल और फेस्टिवल का लुक देता है। इसे हम 1 घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। वैसे तो 1/2 घंटे में भी सेट हो जाता है, लेकिन हम इसे 1 घंटा छोड़ेंगे। देखिए हमारे यह सेट हो चुका है। इसे हम तेज धार वाले चाकू से काटेंगे। मैंने यहाँ पर बच्चों की लोहे की स्केल लिया है, इसे अच्छे से आसानी से कट जाते हैं। पहले हम किनारे को अलग कर लेते हैं। पहले हम 2-2 इंच के अंतराल से सीधी लाइन का कट करेंगे, फिर उसके बाद हमें तिरछी लाइन का कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, काजू की कतली की जो मैंने ट्रिक और टिप्स बताए हैं उसे आप भी फॉलो करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, नहीं तो स्टेप छूट जाता है ना, तो जो आप रेसिपी बना रहे हैं वो बिगड़ जाता है। काजू को साफ करके लें। इसे आप थोड़ी देर ग्राइंड करने के पहले इसे आप फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखें, फिर उसे ग्राइंड करें और चाशनी 1 तार की बनाएं, जिससे आपकी कतली एकदम सॉफ्ट और स्मूथ रहे। 2 तार की चाशनी में कतली हार्ड हो जाएगा। बस इसी आप ट्रिक और टिप्स को फॉलो करें, आपका भी काजू का कतली परफेक्ट बनेगा। काजू की कतली को हम निकाल के साइड पर रखते जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से सब हमारे काजू कतली निकलते जा रहे हैं और इसे हम साइड में रखते जाएंगे। देखिए 2 कप काजू से हमारे ढेर सारे काजू की कतली तैयार हो गए हैं। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में रखते जाएंगे। इस काजू की कतली को खा करके कोई नहीं कह सकता कि इसे आप घर पे बनाए हैं। इसे आप 1 हफ्ते तक बना के स्टोर कर सकते हैं और रख के खा सकते हैं। इसे आप फेस्टिवल गिफ्ट भी दे सकते हैं। मैं इसे आपको उठा के दिखाती हूँ।
देखिए इसके साइड का टेक्सचर एकदम स्मूथ दिख रहा है। इसे मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, यह एकदम सॉफ्ट है। तो इसे इस होली आप भी बनाएं। फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अर्चना ग्लोबल किचन को, बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। हमें इंस्टाग्राम और मोज में आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।